हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, आर सिस्टम्स इंटरनेशनल लिमिटेड की ओर से मार्च क्वार्टर की फिनेंशियल रिजल्ट पेश हो चुका है, जो कि स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड दोनों रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं। आज के इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे, तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, हम लोग आ चुके हैं कंसोलिडेटेड फिनेंशियल रिजल्ट्स में। मिलियंस में नंबर्स दिए गए। इनकम की बात करें 409 करोड़ का है। पिछले क्वार्टर में 401 करोड़ था और मार्च 22 क्वार्टर में 347 करोड़ का इनकम था। इनकम क्वार्टर ऑन क्वार्टर में तेजी है, ईयर ऑन ईयर में भी यहाँ पर तेजी देखने को मिल रहा है। एक्सपेंसेस 361 करोड़ का है। पिछले क्वार्टर में 353 करोड़ था और मार्च 22 क्वार्टर में 309 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। यहाँ पे एक्सपेंसेस देखिएगा तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज करती हुई नजर आ रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 47.8 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में 47.9 करोड़ और मार्च 22 क्वार्टर में 37.4 करोड़ का प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर में बहुत ही मतलब फ्लैट माइनर सा फॉल देखने को मिला है। देख सकते हैं लगभग 10 लाख के आसपास, यहाँ पे जो 9 लाख के आसपास यहाँ पे फॉल देखने को मिला, लेकिन ईयर ऑन ईयर में तेजी देखने को मिल रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। अगर नेट प्रॉफिट देखेंगे जो कि आफ्टर टैक्स है 35.8 करोड़ का है। पिछले क्वार्टर में 41 करोड़ था और मार्च 22 क्वार्टर में 229.6 करोड़ का प्रॉफिट था। प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर में फॉल हुआ, जिसका सबसे बड़ा रीज़न है गाइस एक तो एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हुआ है, जो कि 11.9 करोड़ का है। यहाँ पे टैक्स बहुत ज़्यादा इसका पे करना पड़ा क्वार्टर ऑन क्वार्टर में, जिसके कारण प्रॉफिट से बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिला है। अगर EPS की बात करें तो 3.03 रुपीज़ का है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में फॉल है, बट पिछले साल यहाँ पे मतलब ईयर ऑन ईयर से यहाँ पे बहुत ही शानदार इंप्रूव देखने को मिल रहा है, इंक्रीज कर रही है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो एवरेज रिजल्ट कंपनी पेश किया है कंसोलिडेटेड में। अगर स्टैंडअलोन रिजल्ट हम लोग कवर करें, सेगमेंट वाइज रेवेन्यू बात करें, यहाँ पे हम लोग देखिए IT सर्विसेज और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग सर्विसेज, इन दोनों से यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, जो कि रेवेन्यू तो अच्छी ग्रोथ हो रही है, बट टैक्स ज़्यादा पे करने के कारण कंपनी का प्रॉफिट्स में गिरावट आई है। अगर स्टैंडअलोन रिजल्ट्स हम लोग कवर करें, नंबर मिलियंस में दिए गए। इनकम यहाँ पे 229.9 करोड़ का है। पिछले क्वार्टर में 219 करोड़ था और मार्च 22 क्वार्टर में 178.9 करोड़ का इनकम था। इनकम क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में यहाँ पे तेजी देखने को मिल रहा है। एक्सपेंसेस 187 करोड़ का है। पिछले क्वार्टर 180 करोड़ था, मार्च 22 क्वार्टर में अगर देखिएगा तो 152 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। यहाँ पे गाइस कंपनी का इनकम के अकॉर्डिंग एक्सपेंस भी इंक्रीज किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में तो यहाँ पे तेजी है 42 करोड़ का, देख सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर में तेजी है, लेकिन टैक्स यहाँ पे 9.6 करोड़ का पे करना पड़ा, इसके बाद कंपनी का प्रॉफिट्स गिरावट आया और 32 करोड़ का प्रॉफिट है, जबकि पिछले क्वार्टर में 33.9 करोड़, लगभग 34 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था और मार्च 22 क्वार्टर में 21 करोड़ का प्रॉफिट था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर फॉल देखने को मिला बिकॉज ऑफ टैक्सेस, लेकिन ईयर ऑन ईयर में तेजी देखने को मिल रहा है। EPS 2.77 रुपीज़ का है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर फॉल है, ईयर ऑन ईयर में तेजी देखने को मिला है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कंपनी एवरेज रिजल्ट पेश कर, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर की प्रॉफिट्स में गिरावट आ रही है। तो अब हम लोग जो है वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।